हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पापड़ पनीर कैसे बनाना है, जो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें। तो चलिए हम बताते हैं क्या क्या उसके लिए चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये पनीर लिया है, 100 से 150 ग्राम होगा। उसके अच्छे पीस काट लिए हैं, लंबे लंबे इस तरीके से। और उसके लिए मैंने मूँग की दाल के पापड़ लिए हैं। और ये सामग्री है उसका, ये है अदरक और ये हरी मिर्ची है और ये है लहसुन और ये हरा धनिया। हम इसको अभी पीसेंगे। और ये है बाकी सामग्री, ये आधा चम्मच चिकन मसाला है, आधा चम्मच गरम मसाला और ये लाल मिर्च पाउडर है, ज़रा सा मैंने लिया है, और स्वाद अनुसार नमक है और ये है काली मिर्च पाउडर। तब चलिए कैसे बनाना है शुरू करते हैं। तो हम इसको जार में डाल लेते हैं और इसको हम पीस के लेके आ रहे हैं। फिर इसको कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। इस पनीर में हमने ये चीज़ें लगाई हैं, अब इसको हम रख देते हैं 5-5 मिनट तक। ये है पापड़, इसमें हम थोड़ा पानी लगा देते हैं और पानी लगा के इसको 5 मिनट छोड़ देंगे ताकि ये नरम हो जाए और मोड़ते बने इसको अच्छे से। इस तरीके से पानी लगाना है और इसको रखते जा रहे हैं। ये पेस्ट हम एक कटोरी में डाल लेते हैं और ये बाकी चीज़ें जो भी है सब इसमें मिला देते हैं अच्छा से। इस पनीर को 5 मिनट हो गया है, ये हमारा मसाला जो लगा हुआ था अच्छे से इसमें पहुंच गया। अब इसमें पेस्ट में हम डालते हैं इसको और इस तरीके से इसे इस तरीके से ऐसे मिलाना है दोस्तों अच्छे से, इसका मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, अच्छे से इसमें लिपट जाए मसाला इस तरीके से। और इसे धीरे से इसको पापड़ के अंदर रख देते हैं। और कैसे इसको मोड़ना है इस तरीके से, यहाँ पानी लगा के इसको चिपका देते हैं। इस तरीके से आपको मोड़ना है इसको। तो दोस्तों ये हमारे पापड़ पनीर बनके रेडी हो चुके हैं, अब हम इसको फ्राई करने चलते हैं। चलिए फ्राई करते हैं इसको। तो दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें फ्राई करते हैं। इसको तुरंत बना के और फ्राई करते जाना है, ये चिपक जाता है। आप इसके अंदर पनीर रखें और पनीर लपेट के तुरंत इसको फ्राई कीजिए, तुरंत इसको फ्राई करते जाइए और निकालते जाइए इसको, और गरम गरम सर्व करें। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें दोस्तों।